जी, मेरा नाम मुन्ना लाल कोल, सांसद पकौड़ी लाल कोल के छोटे भाई हैं, स्वर्गीय राहुल विधायक के चाचा जी। माने आज मुख्यमंत्री जी आए थे, योगी आदित्यनाथ जी, उप चुनाव चल रहा है, तो क्या उनके आने से क्या प्रभाव पड़ेगा? जी, ऐसा है कि आज का दिन अंतिम चरण, मतलब अंतिम प्रचार का समय है। अंतिम प्रचार के चरण में आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आगमन हमारे विंध्य पहाड़ क्षेत्र पे आए, जिससे हमारी जनता जो है उनको देखने के लिए प्लस वोट देने के लिए उमड़ पड़ी है, रोड के आगे मतलब दौड़ पड़े हैं। आज उनके आने से विंध्य क्षेत्र के लोगों का पूरा आशीर्वाद रिंकी देवी के पक्ष में जा रहा है। अपील करना चाहते हैं मतदाताओं से? मतदाताओं से अपील क्या है, हमारे राहुल जी महीनों से चार में हम निकले हैं, कहीं भी राहुल जी का शिकायत सुनने को नहीं मिला, इससे हमको बहुत ही उम्मीद है कि रिंकी देवी उनकी पत्नी को उसी के आधार पे राहुल के नाम पे उनके याद में जनता ने मूड बना लिया है कि विधवा औरत रिंकी देवी को अपना एक एक मतदान देकर उसके हाथों को मजबूत करें, जिससे राहुल, स्वर्गीय राहुल विधायक के आत्मा को शांति प्रदान मिले। जीतने के बाद प्राथमिकता क्या होगी? 96 विधानसभा में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको आप प्राथमिकता देंगे विकास के लिए? विकास की प्राथमिकता हमने एक चीज देखा है जो भ्रमण के दौरान, कि किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था अति आवश्यक है। जो बाढ़ सागर की नहर आई है, उससे जगह जगह किसानों के उसके मतलब महत्व बनी है, उसमें जोड़ने का काम किया जाएगा, जिससे बड़ी पैमाने पर लोगों का खेती बाड़ी। सबसे बड़ी समस्या एक हलिया में मतवार गांव है, वहाँ रास्ता नहीं है जी। उसमें माननीय योगी जी आदित्यनाथ जी ने आज मंत्री से बता दिया कि हो चुकी है, जारी हो गई, बहुत जल्द 2024 लोकसभा होने के बाद जो अच्छे ढंग से बन करके तैयार हो जाएगी। जनता का अभिवादन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी।